ब्लड डोनेशन एक छोटा सा सेक्रीफाइस है, लेकिन आपका ये छोटा सा सेक्रीफाइस किसी की लाइफ में बड़ा चेंज ला सकता है। आपके ब्लड डोनेट करने से किसी की जिंदगी बच सकती है। इसकी प्रोसेस बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन कैसे किया जाता है और डोनेशन के बाद डोनेट किए हुए ब्लड की प्रोसेसिंग कैसे होती है। हमारे देश में टाइम पर ब्लड न मिलने की वजह से हर साल लगभग 15 लाख मरीज अपनी जान गंवा देते हैं, और इनमें उन बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है जिन्हें थैलीसीमिया ब्लड डिसऑर्डर के कारण बार बार ब्लड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक्सीडेंट, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया और प्रेगनेंसी में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग ब्लड डोनेट करें तो इससे कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन की बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। वो हर 3 मंथ के बाद 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। 1 यूनिट में लगभग 300 to 400 ml ब्लड होता है। अब बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैसे किया जाता है। ब्लड बैंक में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है। इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट, वेट, सेक्स और एज का रिकॉर्ड लिया जाएगा। उसके बाद आपकी फिंगर टिप को प्रिक करके आपके ब्लड ड्रॉपलेट को टेस्ट करेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होती है। उसके बाद आपको ब्लड डोनेशन चेयर पर लिटा दिया जाएगा और फ्लेबोटमिस्ट आपके हाथ की वेन का सिलेक्शन करते हैं, जिससे डोनेशन के लिए अच्छी और प्रोमिनेंट वेन मिल सके। वेन सेलेक्ट करने के बाद उस हाथ को एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है। उसके बाद नेडल को वेन में इंसर्ट कर दिया जाता है और डोनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट में ब्लड डोनेशन की प्रोसेस कम्प्लीट हो जाती है। ब्लड डोनेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तभी आप डोनेशन कर सकते हैं। जैसे कोई हेल्दी पर्सन जिसकी एज 18 to 60 ईयर्स की हो, जिसका वेट 55 किलोग्राम से ज़्यादा हो, जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन 12% से ज़्यादा हो, जिसको किसी प्रकार की कोई सीरियस इलनेस ना हो और जिसने पिछले 3 महीने में ब्लड डोनेट ना किया हो, ऐसे पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोनेशन के बाद ब्लड की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले स्टेप में ब्लड डोनेशन के बाद डोनेट किए हुए ब्लड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा जाता है, और ट्रांसफ्यूजन करने से पहले इस ब्लड को एक लंबी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। टेस्टिंग प्रोसेस में इस ब्लड से कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें ब्लड टाइप से लेकर डिजीज और इन्फेक्शन चेक किए जाते हैं, जैसे एडवांस ब्लड ग्रुपिंग, रिवर्स और फॉरवर्ड ग्रुपिंग, मलेरिया, HIV और हेपेटाइटिस। इसके अगले स्टेप में सारी टेस्टिंग पास होने के बाद इस ब्लड से कंपोनेंट सेपरेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग अलग बैग में सेपरेट किया जाता है। इसके लिए ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर घुमाया जाता है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ब्लड कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं और उसकी 3 लेयर बनती हैं, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और प्लाज्मा में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों ब्लड कंपोनेंट्स को अलग अलग टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स को रेफ्रिजरेटर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 42 डेज के लिए रखा जाता है। प्लेटलेट्स को एजिटेटर मशीन में रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 5 दिनों के लिए रखा जा सकता है, और प्लाज्मा को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब पेशेंट को ब्लड के किसी भी कंपोनेंट के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप पता किया जाता है। उसके बाद सेम ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट और डोनर के ब्लड की कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में ब्लड ग्रुपिंग के अलावा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है। अगर ये कंपैटिबल होते हैं तभी ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है। इनकंपैटिबल रिएक्शन होने पर किसी और डोनर के साथ कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।